हेलो गैस, ये कटिंग आपने देखा होगा, इसका सेकंड पार्ट में लेके आ रहे। फर्स्ट पार्ट इसका अपलोड हो गया तो आप ज़रूर चेक कर लीजिए। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जितने भी हमसे बड़े हैं उनको चैलेंज पर छोटों को प्यार, इसी तरह प्यार सहयोग बनाए रखें। अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो गाइस ये देखिए, इसका सेकंड पार्ट है और इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया। इसका सेकंड पार्ट गाइस इसलिए भी लेके आई क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम अगर दोनों एक साथ अपलोड कर दी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई हो जाती है और आप लोग स्क्रिप कर देते तो आपको सीखने को ना मिलता। तो इसीलिए इजी वे करने के लिए यहाँ पर मैंने इसका सेकंड पार्ट बनाया है और वीडियो भी गाइस फास्ट कर दिया है, और पहले वाले में भी और अभी वाले में दोनों में ही वीडियो को फास्ट कर दिया है। तो यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट ही हैं और इनका ही मैंने हेयर कट किया, जो साइड में बैठे उनका हेयर कट हो गया, उनकी वीडियो भी हम अपलोड करेंगे, दोनों की हेयर कट हुई थी। और गाइस देख जैसा कि आप देख रहे हैं और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया इनके साथ वीडियो पे, हेयर कटिंग पे, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमसे बड़े हैं उनको चैलेंज पर छोटों को प्यार, आप लोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो फिर से अपना प्यार पहले जैसे फिर से आप लोग अपना प्यार दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, क्योंकि जो मैंने 6 महीने गैप कर दिया था ना गाइस, बस उसी कारण आज मेरा ये चैनल थोड़ा पीछे हो गया, नहीं तो काफ़ी ग्रो कर देता। पहले 6 महीने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, आप जानते ही कोरोना में कितने लोग की डेथ हो गई, और उसके बाद जब कुछ थोड़ा सा लगा कि नहीं ये भी एक काम है वीडियो बनाना भी, तो जैसे बाकी काम इंसान करता है ना ऐसे ये भी ज़रूरी है। उस टाइम फिर इसका मेरा फ़ोन टूट गया था, इसके वजह से फिर वीडियो नहीं बना पाई। फिर जब फ़ोन ठीक ठाक हो गया तो इसका आईडी मैं भूल गई थी, खुल ही नहीं रहा था दूसरे फ़ोन पे, जब फ़ोन बन के आप सारा फॉरवर्ड हो गया था, पर ये सब चीज़ें थी। कभी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने क्राउन एरिया लिया था ना उसको भी हमने नीचे मिला दिया है मिक्स करके, और उसको भी हम अच्छे से कॉम कर लेंगे जिससे कि बाल आपस में गाँट ना रहे, नहीं तो कटिंग थोड़ा सा नहीं अच्छी होगी। तो जो हमने क्राउन एरिया लिया था ना गाइस उसको भी अच्छे से हम कॉम कर लेंगे। कॉम करने के बाद अपने फिंगर की हेल्प से काफ़ी टाइट कर लेंगे जिससे कि हमारे फिंगर से बाल अलग ना हो। अब जो स्ट्रॉन्ग हेयर रहेंगे उसको हम कट कर लेंगे। आप नोचिंग, बहुत लोग स्ट्रेट कटिंग में भी नोचिंग देते हैं, स्ट्रेट कटिंग में आप नोचिंग ना दें। और यहाँ पर मैं ये अपने स्टूडेंट को बता रही हूँ, अगर वो वीडियो देख रही हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देंगे। कुछ स्टूडेंट हैं जिनका मैं गाइस ऐसा भी करती हूँ, जैसे कोई असमर्थ है और नई फीस दे सकता है पार्लर का, तो ऑफलाइन भी मेरे पार्लर में आके कोर्स कर सकता है, सीख सकता है बिल्कुल फ्री। तो अगर आप लोग में से कोई इच्छुक हो तो ज़रूर मुझे बताएं। दिव्यांग या सहाय हैं तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कोर्स कर सकते हैं हमसे। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डायमंड हेयर कटिंग जैसे करते हैं ना उस वे में हमने पार्टिंग कर ली क्राउन एरिया को, फिर से हम बीच में लेंगे क्राउन एरिया को और डायमंड हेयर कटिंग की तरह हम क्राउन एरिया पे पार्टिंग कर लेंगे। पार्टिंग करने के बाद बाल जितने स्टाइल उसको कट करने के बाद नोचिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं बालों पे बिना डायर, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ, मैंने दोनों हेयर कटिंग का जो दिखाया ना उसमें मैंने डायर यूज़ नहीं किया है, ना ही कॉम सेट किया है बालों को, बस कॉम कटिंग से ही जो बाउंस दिख रहा है आपको कटिंग से ही दिख रहा है। और मेरी जो स्टूडेंट है वो भी देख रही होंगी, सॉरी गाइस, मेरी जो क्लाइंट है वो भी देख रही होंगी, तो उनके इस वीडियो के माध्यम से उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रही हूँ, थैंक यू सो मच, जिन्होंने कहा कि हाँ ठीक है आप वीडियो बना लीजिए, तो थैंक यू सो मच। इसी तरह आप लोग के बिना सहयोग के कोई आगे बढ़ नहीं सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड रिलेटिव को वीडियो शेयर करें, आप जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उस पर शेयर करें, ये बिल्कुल फ्री है। आप लोग के शेयर से हम लोग को उत्साह बढ़ेगा और आगे लोगों को जो ज़रूरतमंद है जो सीखना चाहते हैं वो घर बैठे भी ऑनलाइन भी सीख सकते हैं।
तो यहाँ देख सकते हैं, फिर हमने यहाँ पर साइड से लिया आधे बाल, ईयर टू ईयर ईयर से थोड़ा सा और पीछे से हमने लिया है। अब चेयर को हम साइड कर देंगे और अपने फ्रंट की तरफ से दोनों को मिलाते हुए बाल साइड में करके लेयर कटिंग हम कर देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पीछे से भी कटिंग किया और फ्रंट से लेयर कटिंग, इसमें दोनों बालों पे हम मिक्स एंड मैच कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा बाल है ना, उसको हम ये देखिए इस तरह कट कर देंगे। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो गाइस, अभी भी मैं यूट्यूब पे कुछ ना कुछ सीख रही हूँ, अभी मुझे काफ़ी अच्छा बेटर वीडियो कैसे बनाएं मुझे नहीं पता है, धीरे धीरे इसकी सीखूँगी। ऐसे आई बटन कैसे लगाते हैं और वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं गाइस। और ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हेयर थे ना, उसको हम कट कर लेंगे और लाइट वी शेप में भी हम पीछे से लाएंगे। तो इनके बालों पे पहले से ही वी हेयर कटिंग कह ही रही थी, तो हमने इसमें हल्का वी कटिंग हमने कट कर दिया है। कटिंग वी नहीं करेंगे, यहाँ पे हंस रही थी कि देखिए हम लोग झूला झूल रहे हैं राउंड राउंड करके, तो हंसी मजाक चलता रहता है गाइस, चुपचाप कोई भी काम नहीं होता। क्लाइंट आते, मेरे सब क्लाइंट भी बहुत अच्छे हैं, जो हंसते मुस्कुराते हुए काम कराते हैं और हम भी लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए काम करते हैं, अच्छा लगता है। ये भी ईश्वर की ही दया रहती है कि आपके पास जो भी क्लाइंट आते हैं ना, सब सारे अच्छे मिलते हैं, अच्छे रहते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, सब ईश्वर की ही दया होती है। और एक YouTube का भी बहुत बड़ा सहयोग है, जिनकी वजह से आज हम YouTube पर अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इसकी वजह से कुछ लोग हमें जानने लगे हैं, तो अच्छा लगता है। तो बस हम चाहते हैं और लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जाने, तो उसके लिए आप लोग को थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा। बस वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब कर दिया करिए। थैंक यू सो मच, इसी तरह प्यार सहयोग बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।